आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में लोकायुक्त ने पंचायत सचिव को 20,000 रुपयों की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ ट्रैप किया है। कार्रवाई शुक्रवार को लोकायुक्त ने सबलगढ़ जनपद पंचायत की ग्राम राजा तोर के पंचायत सचिव के खिलाफ की, जिसे महिला सरपंच से बतौर रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया। यहां लोकायुक्त के पकड़ते ही पंचायत सचिव थर थर कांपने लगा और अपनी गलती स्वीकार करते हुए कहा कि गलती हो गई, दोबारा नहीं करूंगा। बताया गया कि आरोपी सचिव ने फरियादी महिला सरपंच रेखा जाधव से रिश्वत की मांग की थी। जानकारी के मुताबिक सरपंच ने गांव में कुआं का निर्माण कराया था, जिसकी मजदूरी का बिल पास करने के लिए वह बार बार पंचायत सचिव के चक्कर काट रही थी, लेकिन पंचायत सचिव आनाकानी करता रहा और बाद में बिल पास करने के लिए 30,000 रुपयों की मांग की। महिला सरपंच ने 6,500 रुपए पहले ही दे दिए थे और बकाया रकम देने से पहले उसने ग्वालियर लोकायुक्त में शिकायत दर्ज करा दी, जिसके बाद शुक्रवार को लोकायुक्त की टीम ने सचिव संतोष शर्मा को 20,000 रुपयों की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ लिया। मामले में लोकायुक्त ने आरोपी पंचायत सचिव के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है और अब आगे की कार्रवाई की जा रही है।